झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के द्वारा महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम राजधानी रांची के स्थानीय बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय यादव एवं ओबीसी विभाग की झारखंड प्रभारी राजकुमारी देवी ने शिरकत की। चर्चा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। और इससे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति कोई ओबीसी में नहीं हो सकता है, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कैप्टन अजय सिंह यादव जी को आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, इसलिए आपको इनको पूरी ताकत देनी है। और इस ताकत के साथ हम लोग ये कह सकते हैं, आज इनसे हमने ये वादा भी किया है कि जो 27% चूंकि सुबह बात हो रही थी और जिस तरह से ये आप सबों के लिए चिंतित दिखाई दे रहे थे, उसमें हमने इनको वादा किया है कि आज ही सीएम से मिल करके आप जो बात रखना चाहते हैं वो रखने का काम करें। हमने उनसे आग्रह किया है मुख्यमंत्री महोदय से, हमें लगता है कि जब अजय सिंह यादव जी कहेंगे और हम लोगों ने पहले से कहा हुआ है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जिस गंभीरता से लगे हुए हैं उसमें और तेजी आएगी और आप सबों को आरक्षण मिल पाएगा जो 27%, जिसके लिए प्रदीप यादव जी हमेशा चिंतित रहते हैं। और हमारे जो दल में लोग कह रहे थे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिला वो इस वजह से, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने खास करके इतनी जगह दी हुई है कि आप देखिएगा तो विधायक में भी 33% है या कुछ ज्यादा ही होंगे। और ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि जितना 20 सूत्री का अब तक निर्माण हुआ है, जितनी 20 सूत्री की कमेटियां गठित हुई हैं, उन सब में 33% से ज्यादा लोग आप लोगों को जगह दी गई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर विश्वास नहीं होगा तो लिस्ट उठा के देख लीजिएगा। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर प्रखंड में 3 लोगों की नियुक्ति हुई है तो उसमें 1 ओबीसी की नियुक्ति जरूर हमने की है। अगर 6 लोगों की जहां पर नियुक्ति है हुई है वहां 2 लोगों की और 2 ओबीसी की नियुक्ति जरूर हुई है। तो इसलिए भरोसा बनाए रखिए, जिस संजीवी के साथ हम सब लगे हैं निश्चित रूप से आपको आपका सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान भीख में नहीं मिलता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान पाने के लिए आपको अपनी ताकत को दिखाना होगा। मैं लगातार कहता रहा हूं और आप अपनी पूरी ताकत के साथ जब लगेगा तो निश्चित रूप से सम्मान मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। अगर पूरे प्रदेश में देखें, पूरे देश में देखें तो सम्मान मिला है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण आपकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। आज ओबीसी का कार्यक्रम में यहां आकर मुझे खुशी है इस बात का बल्कि कि हम लोगों ने आज नहीं लगातार हमारे विधायक साथी से लेकर तमाम लोगों ने जो बिहार में हमें ओबीसी का आरक्षण मिलता था उसी का जो है हमेशा आवाज उठाते हम लोग रहे। अभी हाल में 2 दिन शनिवार को हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, हमारे बीच में बैठे हुए थे प्रदीप यादव जी, उस दिन भी उन्होंने इस बात को रखने की काम यूपी गठबंधन की मीटिंग में रखने की बात उन्होंने किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।